che non è giusto, ma non è Prince di Rada, Prince Arden e degli Ecate, i mangi da Prince da Ordo di Neorde. Prince di Milne Yata, il Prince è financiere. SP साहब ये गुजारिश का मर्डर हुआ है इसको इंसाफ मिलना चाहिए 29 तारीख रात को गया था 9 बजे घर से तो प्रिंस से मिलने जा रहा हूँ तो उसके दो दिन हो गए तीन दिन पांच दिन हो गए तो डेड बॉडी नहर में मिल गया है एक माँ का बेटा नहीं रहा पत्नी का पति नहीं रहा और 11 महीने की बच्ची का पिता नहीं रहा ये खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मृतक युवक जतिन के घर के बाहर से जहां पर पूरा परिवार तो मौजूद है लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू है हर कोई रो रहा है लेकिन बड़े आरोप लगे हैं प्रिंस नाम के युवक पर जो कि एक फाइनेंसर भी है परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि उसकी हत्या की गई है दरअसल परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंस नाम का युवक जो कि फाइनेंसर था वो लगातार जतिन को धमकियां दे रहा था टॉर्चर कर रहा था जिसकी वजह से पूरा प्लान रचा गया उनका कहना है कि ये कुछ और नहीं ये हत्या की गई है दरअसल परिवार वालों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जतिन 29 तारीख को शाम के वक्त ये कहकर घर से निकला था कि वो प्रिंस के पास मिलने जा रहा है उसके बाद से वो घर पर नहीं लौटा परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए हैं रोते हुए परिवार वालों ने कहा कि जतिन को लगातार धमकियां दी जा रही थी और ये कुछ और नहीं बल्कि ये हत्या की गई है एक बार सुनिए परिवार वालों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं प्रिंस दे रहा था तीन चार जने थे ये इकट्ठे हिमांशु था प्रिंस था और दो जने और थे उसके द्वारा प्रेशर बनाया गया प्रेशर बनाया था और उसको पकड़ के ले गए हमने देखा है वहां से ले गए तो आप प्रशासन से क्या अपील मांगते हैं मांगते हैं हमको न्याय चाहिए हमको न्याय चाहिए हमको हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए ये शुक्रवार को लगा था 29 तारीख को मेरे भांजा है तो आपको क्या सूचना मिलती है सूचना कुछ नहीं है प्रिंस से मिलने गया था वो प्रिंस एक फाइनेंसर है एसपी साहब ये गुजारिश इसका मर्डर हुआ है इसको इंसाफ मिलना चाहिए तो बॉडी पे कोई निशान वगैरह भी है हमको पता नहीं बॉडी फूली हुई है कहाँ पर मिली है बॉडी बॉडी इनको मिली है वहाँ पे नहर में हाँ तो आप प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं हम एसपी से ये डिमांड करते हैं कि 11 महीने का बच्चा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए इसकी बीवी पागल हुई पड़ी है इसके माँ बाप पागल हुए पड़े हैं शादी को कितने दिन हुए थे शादी को इसको 2 साल हुए नहीं पूरे अभी तो क्या फाइनेंसर का दबाव मान रहे हैं हाँ फाइनेंसर का दबाव है उससे मिलने फाइनेंसर गया है हाँ तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं ये मर्डर है और कुछ नहीं है अगर सुसाइड है तो इसको प्रेशर बनाया गया पूरा पूरा मर्डर करने किसी के लिए तो आप प्रशासन से क्या अपील लगाते हैं हम तो ये अपील लगाते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च को जतिन घर से शाम के वक्त ये कहकर निकला था कि वो प्रिंस के पास मिलने के लिए जा रहा है पैसों का लेन देन का मामला था उसके बाद से वो घर पर नहीं लौटा परिवार वालों ने काफ़ी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया जिसके बाद परिवार वाले उसे लगातार ढूंढते रहे और उसके बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया लगातार कई दिनों से परिवार वाले जतिन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कल यानी कि 2 तारीख को जतिन का शव नहर से बरामद हो गया जिसके बाद आज जतिन के शव को घर पर लाया गया घर पर जैसे ही शव पहुँचा तो परिवार वाले अपने आप को नहीं संभाल पाए हर कोई रो रहा था और बड़े आरोप लगाए गए हैं कि फाइनेंसर द्वारा उसे धमकी दी जा रही थी शुक्रवार 29 तारीख रात को गया था 9 बजे घर से तो प्रिंस से मिलने जा रहा हूँ तो उसके बाद 2 दिन हो गए 3 दिन 5 दिन हो गए तो डेड बॉडी नहर में मिल गया मिलाना गांव के पास तो सारा ये फाइनेंसर का दबाव है तो जाति पर गया प्रिंस का नाम लेगा प्रिंस से मिलने जा रहा हूँ तो प्रिंस के पैसे लेन देन था उस टाइम का दबाव है कुछ फाइनेंसर का ही तो फाइनेंसरों का दबाव है तो एक ही फाइनेंसर है कहीं नहीं ये 3-4 नाम है और बाकी और होंगे क्या नाम था भाई का जतिन नाम था क्या काम करता था ये कोर्ट रजिस्ट्री वगैरह कैंपर कोर्ट में तो इनकी शादी हो कितने दिन में 2 साल हो जाएंगे 11 महीने का छोटा बच्चा है तो कोई बॉडी पे निशान वगैरह भी चोट थी हाँ मर्डर केस है पैंट में अच्छा गले में हर चीज़ लगी हुई है मुंह पे ऐसे कर रखा है शक्ल पहचान में नहीं आएगी बंदे के मुंह पे ऐसा कुछ लगा रखा है हम जैफर दर्ज है अफर नवाजी मिसिंग है भाई रात का तो उन्होंने कुछ अभी तक उनका फ़ोन भी नहीं आया तो हम पे फ़ोन भी किसी और का है डेड बॉडी मिली है पुलिस वाले का फ़ोन भी अभी तक नहीं आया तो प्रशासन से इंक्वायरी की मांग करते हैं
मर्डर केस मानते हो? हाँ जी मर्डर केस है, जिससे मर्जी पूछो, पूरे तहसील कैंप में जिससे मर्जी पूछो, बड़े खड़े हैं पूछो सबसे। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि प्रिंस नाम का युवक है जो कि एक फाइनेंसर है, वो लगातार जतिन को धमकियां दे रहा था और ये कुछ और नहीं बल्कि हत्या है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।